ब्रेकिंग न्यूज। सौंप मथुरा। पूर्व सैनिक संगठन वेटनरस इंडिया ने किसानों के कर्ज माफी के लिए लिखा मुख्यमंत्री जी को पत्र। प्राप्त जानकारी के अनुसार वेटनरस इंडिया पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को किसानों के फसलों को हुए नुकसान को अवगत कराते हुए पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि किस तरीके से मौसम की मार पड़ने से किसान बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं। ऊपर से खेती के ऊपर लिया हुआ लोन किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। जब फसलें नष्ट हो चुकी हैं तो किस प्रकार से किसान लोन भरने में सक्षम है, इसी मुद्दे को अवगत कराते हुए पूर्व सैनिक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन नेत्रपाल सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि अन्नदाता किसान के हितों को और फसलों में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान के कर्ज माफ किए जाएं और इन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। आज हर कोई सीमा पर जवान और खेत में किसान इन्हीं की वजह से अपने अस्तित्व में जीवित है। क्या आज किसान की इस बदहाल स्थिति को कोई नहीं देख पा रहा, क्या किसान के दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा। उन्होंने अपील की है कि हमें मीडिया के माध्यम से और अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह विषय संज्ञान में पहुँचाने के लिए साथ साथ उनसे आशा की है जरूर किसानों के हित में मुख्यमंत्री साहब कोई अच्छा फैसला लेंगे जो जन कल्याणकारी होगा। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम कैप्टन नित्रपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिक संगठन। आज हमने दिनांक 5 मई 2020 को माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र भेजा है, क्योंकि किसानों का इस वर्ष कोरोना की महामारी आपदा के साथ ही ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात, फसल चौपट हो गई है, काफी नुकसान हुआ है, किसानों की कमर टूट गई है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, हमने पत्र भेजा है कि किसानों का कर्ज माफी किया जाए और हमारा वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिक संगठन शहीद परिवारों के लिए, वीर नारियों के लिए, किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए कार्य कर रहा है, लोगों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जागृत कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय वेटरन्स इंडिया।